हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस। इन दिस चैप्टर देयर आर टू पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, जिसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, एंड सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग टू आई विल क्लियर द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सी द सब्जेक्ट, व्हाट डू मीन बाय द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टेल अस Who or what the sentence is about? Subject sentence का वह part होता है जो हमें बता रहा होता है कि कौन इस sentence में बोल रहा है, या जो sentence है किसके बारे में बोल रहा है। Okay? वह part आपका जो है subject कहलाता है। जैसे example, here comes the train as given in your book. So telling about the train. सो ट्रेन इज द सब्जेक्ट एंड हियर कम्स आर द प्रेडिकेट। जैसे कि आपका प्रेडिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन। व्हाट डू मीन बाय द प्रेडिकेट? प्रेडिकेट दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वह पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट किस चीज के बारे में बोल रहा है। तो प्रेडिकेट दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। ओके, वी विल डू द एक्सरसाइज हियर गिवन इन योर बुक। एज यू कैन सी, हियर कम्स द ट्रेन। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द ट्रेन इज द सब्जेक्ट एंड हियर कम्स इज द प्रेडिकेट। बिकॉज सब्जेक्ट, जैसे कि आपको अगर कोई जिसके बारे में हम सेंटेंस, क्या होता है सेंटेंस, जिस सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा होता है, क्या बोल रहा होता है, कौन सब्जेक्ट में आपका बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है। नाउ सेकेंड, न्यू डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो न्यू डेली इज टेलिंग अबाउट द About the subject and is the capital of India, telling about the predicate. Remember this point that when we find out the subject, here never will come the helping verb in the subject when you underline or circle that subject. जब भी आप subject को find करेंगे sentence में, कभी भी helping verb जो है आपका subject में नहीं आएगा, वो predicate में आएगा। Remember this point, ठीक है? जैसे as you can see is आपका helping verb है, तो प्लीज बेटा ऐसा मत करना कि सब्जेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब जो है अंडरलाइन कर दो, वो आपका जो है कट हो जाएंगे उसके मार्क्स। ऐसे यहाँ पर जो भी है हेल्पिंग वर्ब वॉज गिवन है, तो द सन वॉज नहीं आएगा सब्जेक्ट में, ओनली द सन। द सन इज द सब्जेक्ट एंड वॉज सेटिंग ओवर द माउंटेन्स इज द प्रेडिकेट, बिकॉज टेलिंग अबाउट द सन। सेंटेंस सब्जेक्ट जो है आपके प्रेडिकेट के बारे में ये पूरा बता रहा है। हियर द बॉयज विद द लिम वॉन द रेस। लिम मीन्स होता है लंगड़ा। ओके, द बॉय विद द लिम वॉन द रेस। सो द बॉय इज द सब्जेक्ट एंड विद द लिम वॉन द रेस इज द प्रेडिकेट ऑफ द ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, नाउ हियर फिफ्थ, My mother has a very good memory. So, what is the subject in this sentence? My mother is the subject and has a very good memory, telling about the something about the subject, has a very good memory. So, this is the part of the predicate, okay, of a sentence. Now, sixth is Mohan. Mohan. Mohan is the name, as you can see. So, it belongs to the subject. Or if there is any name given, he, she, it, I, we, you, they. If any name is given with the help of this, easily you can find out that it belongs to the subject. And other part belongs to the predicate. In the predicate parts also comes the helping verb. As you can see, Mohan is the name here given and it's belong to the subject. And was playing basketball with his friend with the helping verb. With the helping of verb include in the predicate part and the telling about the what about the subject, okay, is called the predicate. So here we have completed the subject and predicate exercise given in your book. In the next video we will do are the other part. So like and share and also watch.